जिला ललितपुर ब्लॉक बिरधा के तहसीलपाली की न्याय पंचायत बाला बेहट अंतर्गत ग्राम पंचायत सिमरा प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक स्कूल में जाकर देखा तो वहाँ कोई भी टीचर नहीं दिखाई दिए, सिर्फ एक सहायक अध्यापक दिखे, बल्कि प्रिंसिपल ना और अध्यापक देखे। वहाँ 5 टीचरों की ड्यूटी लगी हुई है। जो उपस्थित सहायक अध्यापक से पूछा तो उन्होंने कहा कि एक सर के ललितपुर में परीक्षा ड्यूटी लगी हुई है और जो प्रिंसिपल है वो डाटा फिटिंग का कार्य करने में व्यस्त है। शिक्षा मित्रों को पैसा मिलना था तो वो नहीं आए। वहीं पढ़ने वाले बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि सर अपनी हाजिरी डाल कर चले जाते हैं। देखा जाए तो दोनों स्कूलों के बच्चों को एक सहायक अध्यापक ही देख रहे हैं। देखना होगा कि बाकी टीचर विद्यालय आते हैं या नहीं। ऐसे शिक्षा का स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे सुधरेगा। समाज सेवी अभिषेक पटेल सेमरा का कहना है कि टीचर अपनी मनमानी के चलते अपनी हाजिरी डालने के लिए आते हैं, अपनी सिर्फ खानापूर्ति करके चले जाते हैं। ऐसे बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, काफ़ी बड़ा सवाल है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चलिए आइए, हम जो यहाँ पर प्रिंसिपल है उनसे बात करते हैं थोड़ी, क्या कहते हैं वो, क्यों अध्यापक नहीं आए हुए हैं। हम प्रिंसिपल नहीं है इसीलिए तो कह रहे हैं मत करो बात। चलिए आइए, हम यहाँ पर जो उपस्थित हैं अभी अध्यापकों या प्रिंसिपल हूँ उनसे बात करते हैं थोड़ी हम। हाँ, सहायक अध्यापक हैं भैया जी। आपका नाम क्या है मैडम? भारती यादव। भारती यादव, आप आज अकेली आई और सर क्यों नहीं आए? हाँ भैया, एक सर की ललितपुर में परीक्षा ड्यूटी लगी हुई है जी मैम। एक सर वो हम लोगों का डाटा फीडिंग का काम चल रहा है बच्चों का DBT का जी। तो उस कार्य में व्यस्त है तो वो कंप्यूटर के कार्य से डाटा, जो प्रिंसिपल सर हैं वो डाटा फीडिंग का कार्य कराने गए हुए हैं जी। और शिक्षा मित्रों को BLO ड्यूटी का पैसा मिलना था आज तो